यार यहाँ पे एक गड़बड़ी हो गई क्योंकि मेरा पहला वीडियो था, तो मेरे हाथ कांप रहे थे, तो वो मेरे से ना वो एक हाथ से नहीं बना था, वो गिर गया था हो जाता है। तो उसके बाद मैंने वो सब डाला निकाल के, ये काजू मैंने 5 मिनट पहले भिगो के रखा था गर्म पानी में, तो उसको भी इसमें डाल दिया। इसमें 1 स्पून धनिया पाउडर और चिल्ली पाउडर, 1 स्पून डाल दिया। उसके बाद थोड़ा सा जीरा, अभी हम इसका पेस्ट बना लेंगे। इजी रेसिपी है, जल्दी बन जाता है। यहाँ पे अनियन फ्राई हो रहा है, तो इसमें मैंने गार्लिक क्रश करके डाला है और एक हरी मिर्च भी डाली है, उसको थोड़ा सा फ्राई करके फिर हमें डालना है प्याज, उसको ना गोल्डन होने तक फ्राई करके उसमें थोड़ा सा हल्दी और लाल मिर्च डाल के मैंने इधर फ्राई कर लिया। तो अभी इसमें मैं डालने लगी हूँ जो हमने पेस्ट किया हुआ है टमाटर और काजू का, तो उसको हम इसको मिला लेते हैं इसमें। तो थोड़ा यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा वो मिक्स करना है क्योंकि काजू का पेस्ट है तो वो लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं नीचे। तो 2 मिनट इसको अच्छे से हिलाते रहिए, जितना उसमें वो पानी जो बचा हुआ है उसमें जो क्लीन करके आपको ना 5 मिनट डालना पड़ता है। तो अभी ये बन गया है, इसमें जब ऑयल निकलने लगता है 10 मिनट बाद, तो आप उसमें ना ये जो फ्राई किया हुआ पनीर मिक्स कर देना इसमें। बस इजी है, 10 से 15 मिनट में बन जाता है, बहुत ही टेस्टी बना था, प्लीज ट्राई करना। और एंड में मैंने इसमें डाला फ्रेश क्रीम, फ्रेश क्रीम क्या वो जो अमूल वाला क्रीम था वही था मेरे पास, तो मैंने वो डाल दिया मिक्स किया। तो आप इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हो, एक्चुअली डालना चाहिए, टेस्टी होता है। और इसमें ऊपर से फिर मैंने धनिया डाल दिया, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया। आप इसको कुलचे के साथ, ज़ीरा राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। ट्राई करिए, 10-15 मिनट बन जाएगा। ये लीजिए आपका पनीर मसाला बनके रेडी है, नाउ रेडी टू ईट। बहुत ही एमी यमी बना था, एक बार ट्राई ज़रूर करना। और प्लीज़ मैं इस चैनल में नई हूँ, मुझे सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।